बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। पार्किंग संचालकों के द्वारा करोड़ों रुपए के चूना लगाने के बाद आसनसोल नगर निगम की नींद अब टूटी है। आसनसोल नगर निगम के द्वारा आसनसोल के दो पार्किंग स्टैंड को छोड़कर से सभी पार्किंग संचालकों को निर्देश दिया गया है कि 7 दिन के अंदर वे पार्किंग क्षेत्र को खाली कर दें। इसे लेकर नगर निगम के द्वारा माइकिंग भी करवाई जा रही है। इस बात से पार्किंग संचालकों में हड़कंप मच गया है। पिछले 2 सालों से पार्किंग संचालकों ने नगर निगम को 1 भी रुपया नहीं दिया, जिससे नगर निगम को करोड़ों का चूना लगा। अब नगर निगम इस तैयारी में है कि शहर में जो भी पार्किंग जोन है उसका जिम्मा नगर निगम पहले अपने हाथों में लेगा, इसके बाद पार्किंग का टेंडर किया जाएगा। जब तक टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, नगर निगम खुद कर्मियों के माध्यम से पार्किंग का संचालन कर शुल्क वसूलेगा। वर्तमान में 2 पार्किंग जोन को लेकर हाईकोर्ट में मामला लंबित है। इन 2 पार्किंग जोन को छोड़कर सभी पार्किंग जोन के संचालक नगर निगम को बिना कोई पैसा दिए पार्किंग चला रहे हैं। इनके ऊपर नगर निगम का लाखों रुपया बकाया है। बताया ये भी जा रहा है कि इन संचालकों के ऊपर किसी न किसी राजनेता का हाथ है, जिस कारण नगर निगम पैसे की वसूली भी नहीं कर पा रहा है। इसको लेकर विपक्ष भी मेयर के ऊपर लगातार हमलावर भी रहा। इसे देखते हुए मेयर ने पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया है। उधर नगर निगम द्वारा 24 जून 2022 को निकाले गए ऑनलाइन टेंडर का भी अब तक क्या हुआ कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ पार्किंग संचालकों का कहना है कि नगर निगम 5,000 रुपए प्रतिदिन अदा करने की बात कर रही है, जबकि पार्किंग के जरिए उन्हें 2,000 रुपए ही प्राप्त हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मीपुर दिशा का पार्किंग टेंडर 50 लाख चूना लगाने के बाद फिर पुराने संचालकों के हाथ पार्किंग सौंप दिया गया है। सूत्रों की माने तो 3,54,000 रुपए मासिक पर राजू सोलंकी और गौतम विश्वास को पार्किंग का ठेका दिया गया है। गौरतलब है कि आसनसोल पार्किंग जोन और लक्ष्मीपुर दिशा का पार्किंग अलग तरीके से है। आसनसोल शहर में पार्किंग जोन जहां चलता है वो आसनसोल नगर निगम की जमीन है, जबकि लक्ष्मीपुर में जो पार्किंग जोन है वो जमीन के मालिक अपने जमीन पर पार्किंग चलाते थे। लेकिन वर्ष 2016 में तत्कालीन मेयर जितेंद्र तिवारी ने इसे बंद करवा दिया। तब वहां राज सोलंकी, शिवाराय, गब्बर, अन्य लोग अपनी जमीन पर चारदीवारी करके पार्किंग चलाते थे। जितेंद्र तिवारी ने इसे बंद करते हुए टेंडर करवाया। उस ओपन टेंडर में सबसे अधिक बोली राज सोलंकी ने लगाई। 26 लाख रुपए वार्षिक पर उन्होंने टेंडर लिया। राज सोलंकी ने 2019 तक पैसे जमा किए थे, लेकिन किसी कारण से 17 लाख रुपए बकाया रखा, जिसको लेकर नगर निगम के अभियंता सुकुमार मंडल ने कुल्टी थाने में राजू सोलंकी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई और उनका पार्किंग ठेका रद्द कर दिया। इसके बाद भी पार्किंग चलता रहा, जिसका कोई भी राजस्व नगर निगम को नहीं मिला। तब गौतम विश्वास ने मेयर को 50,000 रुपए साप्ताहिक राजस्व देने को लेकर पत्र लिखा। इस पत्र के आधार पर तत्कालीन मेयर जितेंद्र तिवारी ने एक नोट शीट के माध्यम से लक्ष्मीपुर पार्किंग का ठेका गौतम विश्वास को दे दिया। वो प्रत्येक सप्ताह पैसा जमा करवा रहे थे, लेकिन इसी बीच राजनीतिक उठापटक के कारण जितेंद्र तिवारी ने टीएमसी छोड़ दिया। तब 2 जनवरी 2021 को अमरनाथ चैटर्जी आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन बने। चेयरमैन बनते ही अमरनाथ चैटर्जी ने लक्ष्मीपुर के पार्किंग को रद्द कर दिया, जिसके कारण वहां से जो भी राजस्व आता था वो बंद हो गया, लेकिन वहां पार्किंग संचालन होता रहा। जनवरी 2021 से अब तक 1 भी पैसा नगर निगम को नहीं मिला है। इस कारण नगर निगम को लगभग 50 लाख का चूना लगा। सूत्रों की माने तो नगर निगम के द्वारा मौखिक रूप से लक्ष्मीपुर पार्किंग का ठेका एक बार फिर से राजू सोलंकी और गौतम विश्वास को 6 महीने के लिए दिया गया है। ये लोग प्रति महीना नगर निगम को 3,54,000 रुपए देंगे। हालांकि ये आदेश मौखिक दिया गया है, इसका अभी वर्क ऑर्डर निर्गत नहीं किया गया है। इसको लेकर पार्षद गुलाम सर्वर ने सवाल उठाया है कि वर्ष 2021 में आखिर लक्ष्मीपुर पार्किंग का ठेका निरस्त क्यों किया गया, इससे नगर निगम को क्या फायदा हुआ, बल्कि नगर निगम को 50 लाख का घाटा हो गया। ये पैसा कुछ नेताओं और वहां के दबंग लोगों के पॉकेट में गई। जिस ठेकेदार के नाम पर नगर निगम ने एक FIR दर्ज करवाई, जिससे ठेका छीन लिया गया, अब नगर निगम उन्हीं को ठेका क्यों दे रहा है, पूरा का पूरा गड़बड़ झाला है। इसकी जाँच होनी चाहिए। यदि ये लोग सही है तो तत्कालीन प्रशासक ने किस आधार पर ठेका निरस्त किया, जिससे 50 लाख की नगर को हानि हुई, इसकी जांच की कार्रवाई की जानी चाहिए। गौ तस्करी मामले में आसनसोल जेल में बंद टीएमसी के दबंग नेता अनुव्रत मंडल से मिलने के लिए शुक्रवार की दोपहर 12:30 बजे के लगभग 3 अधिवक्ता आसनसोल जेल पहुंचे। तीनों ने अनुव्रत मंडल से मुलाकात की और ये मुलाकात लगभग 30 मिनट तक चली। बताया जा रहा है कि ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आगे की रणनीति क्या होगी, इसी को लेकर अनुव्रत मंडल ने अधिवक्ताओं से विचार विमर्श किया है। हालांकि तीनों अधिवक्ताओं में से किसी ने भी पत्रकारों को कुछ नहीं बताया कि उन्होंने अनुव्रत मंडल से किस सिलसिले में मुलाकात की। गौरतलब है कि गुरुवार को ईडी के अधिकारी
अधिकारियों ने अनुव्रत मंडल से जेल में लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन पूछताछ के दौरान अनुव्रत मंडल ने जो जवाब दिया उसमें ईडी अधिकारियों ने काफी विसंगति पाई, क्योंकि उससे पहले ईडी ने अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल और उनके सीए मनीष कोठारी और पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन से भी पूछताछ की थी। ईडी अधिकारी ये जानना चाहते थे कि अनुव्रत मंडल और उसकी बेटी के खाते में जो पैसे आए हैं उसका स्रोत क्या है। जवाब में अनुव्रत मंडल ने बताया कि इसके बारे में मनीष कोठारी जानते हैं, जबकि मनीष कोठारी ने पहले ही बताया कि अनुव्रत मंडल की ओर से जो भी डॉक्यूमेंट्स आते थे वह उसका ऑडिट कर पास कर दिया करता था। उधर सहगल हुसैन की बेटी सुकन्या मंडल ने भी कहा कि जो कुछ भी है इस बारे में बाबा जानते हैं, यानी उनके पिता जानते हैं। पूछताछ में अनुव्रत मंडल द्वारा असहयोग किए जाने का दावा कर ईडी ने कागजी तौर पर अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर ईडी सूत्रों के अनुसार ईडी अधिकारियों के द्वारा शुक्रवार को अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाने के लिए दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अपील दायर की गई है, जिस पर कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करने का निर्देश दिया है। अंडाल थाना क्षेत्र के उखड़ा आउटपोस्ट अंतर्गत उखड़ा बाजार के व्यवसायी ललन गुप्ता के पुत्र टिंकू गुप्ता का विवाह पानागढ़ निवासी रेनू गुप्ता के साथ विगत कई वर्ष पहले हुआ था। विवाह के कुछ महीने बाद से ही घर में टिंकू गुप्ता एवं उसकी पत्नी रेनू गुप्ता के साथ ललन गुप्ता और उसकी धर्म पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। इसी से तंग आकर टिंकू गुप्ता ने विगत कुछ महीने पहले गले में फंदा लगाकर अपने घर में ही आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसे दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई दिनों तक इलाज चला लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उसके देहांत के बाद ललन गुप्ता एवं उसकी धर्मपत्नी ने अपनी गृह वधु को बार बार अपने घर से निकालने की कोशिश की, उसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र भी किए। इससे कामयाबी ना मिलने के बाद ललन गुप्ता अपनी पत्नी के साथ अपने गृह वधु एवं 2 वर्ष की बच्ची को अकेला छोड़ उखड़ा से फरार हो गया। उखड़ा के लोगों द्वारा उसे संपर्क साधने की बहुत कोशिश की गई लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया। इस विषय में रेणु गुप्ता ने बताया कि मेरे पति के देहांत के बाद मेरे सास ससुर मुझे घर से निकालने के लिए तरह तरह की कोशिश कर रहे थे। अंत में वे मुझे अकेला छोड़कर पता नहीं कहां चले गए। इधर उधर छानबीन करने के बावजूद भी उनका कोई पता नहीं चला है। मैं और मेरी 2 वर्ष की बच्ची इधर उधर भटक रहे हैं। हम लोगों के पास खाने पीने की सामग्री भी नहीं, अपने रिश्तेदारों से मांग कर कितने दिन चलाएंगे, लेकिन अभी हमारी दैनिक स्थिति बहुत ही खराब अवस्था में पहुंच गई है। इस कारण हमने स्थानीय महिलाओं एवं बाजार के व्यवसायियों से मदद मांगी। सभी ने मदद किया और दुकान का ताला तोड़कर दुकान खुलवाया और दुकान मेरे हवाले कर दिया। अब मैं रोजाना दुकान खोलूंगी और अपने और अपनी बच्ची का भरण पोषण करूंगी। मेरे पति का डेथ हो गया और वो भी मेरे सास ससुर और नाना गरीबी के कारण। वो लोग हम लोग के घर गृहस्थी में ज़्यादा ही इंटरफेयर करते थे और मेरे सास ससुर दोनों जन अपना जो है दुकान घर सब ताला मार के चले गए। हम अपना और बच्चा का खान पीन कैसे करेंगे, आप ही लोग बताइए। बच्चा और अपना देख रेख कैसे करेंगे, हम लोग अपने बच्चे का पेट चलाने के लिए व्यवस्था करना होगा। लाडो के पापा करते थे, सारा कमाए कमाए सब उनका है। कितना दिन से भागा हुआ? आज 3 महीना से वो लोग भागा। मत दो एकटा बैरा डिपोते आज मैं बाड़ी पे पड़े हैं। कैसे भी उठ बच्चा सकते हैं, आप ही बताइए। सब बच्चे का खान पान और मायके से और बच्चे का खान पान ঘর থেকে বার করে দিয়েছে, খেতে পত্র দেয় না, আর অনেক কিছু ব্যাপার আছে। আর এরকম পালিয়ে গেছে, পালিয়ে গিয়ে কেউ বাঁচে? এই জন্য আমরা অন্যায় বিরুদ্ধে এগোবো। একটা বাচ্চা 1 মাস ধরে বাইরে পড়ে আছে, দোকানে পড়ে আছে। क्या आसनसोल नगर निगम के अधिकारी व्यापारियों में भेदभाव कर अपना निजी स्वार्थ पूरा कर रहे हैं? आखिर वो कौन प्रभावशाली व्यक्तित्व है जिसकी छत्र छाया में बाजार रिटेल लिमिटेड को लाभ पहुंचाने के लिए सभी नियम और कानून को ताक पर रख दिए गए हैं? यह आरोप है आसनसोल नगर निगम के 28 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर का, जिन्होंने कथित तौर पर एक बार फिर आसनसोल नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है। इसे लेकर गुलाम सरवर ने गुरुवार को नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को एक पत्र भी लिखा। पत्र के माध्यम से उन्होंने अटवाल बिल्डिंग के टैक्स बकाया होने के मुद्दे पर प्रकाश डाला। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा है कि 1 अप्रैल 2019 से आज तक की तिथि तक 2,93,600 रुपए का टैक्स नगर निगम को अता नहीं किया गया है और बहुत ही छोटी रकम में 3 सालों के लिए बाजार रिटेल लिमिटेड का ट्रेड लाइसेंस इशू कर दिया गया। उधर अगस्त महीने में अटवाल बिल्डिंग को लेकर उठे विवाद के कारण मेयर विधान उपाध्याय ने ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दिया था। बावजूद इसके अधिकारियों के वरद हस्त के कारण 1 सितंबर को ट्रेड लाइसेंस रिन्यू भी कर दिया गया। साथ ही उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि अटवाल बिल्डिंग के लाइसेंस रद्द करने के लिए जो पत्र जारी किया गया था उस पर रेफरेंस नंबर नहीं दिया गया था। उन्होंने इन सारे मामलों की जांच की मांग की है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब को एक लेटर दिया हूं कि अटवाल बिल्डिंग
जो अभी कोलकाता बाजार में तब्दील हो गया। ताज्जुब है कि कॉरपोरेशन के स्टाफ किस तरह से काम कर रहे हैं कि 1/4/2019 से उनका टैक्स ड्यूज है। उनका टैक्स अब तक 2,93,600 रुपया टिल डेट ड्यूज है, और इस ड्यूज होने के बावजूद कैसे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसका मोटेशन भी कर देता है, उसको ट्रेड लाइसेंस भी इशू कर देता है, ये बहुत बने ताज्जुब खेज बात है। साथ ही साथ 26/8/20 को ट्रेड लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, और फिर देखा जाता है कि 1/9/2022 को ट्रेड लाइसेंस फिर बना दिया जाता है। और सबसे और एक ताज्जुब की बात है कि आसनसोल मार्केट में अगर आप देखिएगा कि कोई अगर बड़ा बिजनेसमैन है, अगर कोई मोदी दुकान भी बड़ा है, तो उसका ट्रेड लाइसेंस का टैक्स करीब करीब साल का 1,000 रुपया होता है। आप इस कोलकाता बाजार के इस बिजनेस का ट्रेड लाइसेंस बनाया गया है 3 साल का 3,900 रुपये में। ये कौन सा स्लैब है ये मेरे समझ से बाहर है कि कौन सा स्लैब में बनाया है। इसका ट्रेड लाइसेंस का जो फी लिया गया है इसका प्रॉपर इंक्वायरी हो, बगैर ड्यूज लिए हुए कैसे मोटेशन हो गया इसका प्रॉपर इंक्वायरी हो। इस तरह से काम करने से कॉरपोरेशन का रेवेन्यू करोड़ों रुपया जाया हो रहा है, इस तरफ तवज्जो देने का बेहद ज़रूरत है। चूंकि कॉरपोरेशन के डेवलपमेंट के लिए पैसे का बेहद ज़रूरत है अभी, तो इस तरह से अगर पैसा बर्बाद होगा, ज़ाया होगा, तो कॉरपोरेशन कैसे डेवलपमेंट को लेकर के आगे बढ़ पाएगा। इसी बात को लेकर हम लोगों ने मेयर साहब को आज एक लेटर दिया है कि इस पर आप तवज्जो दें, देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आइंदा ऐसा न हो उसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड अपोजिट सनी मंदिर, नुरुद्दीन रोड, आसनसोल।